हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है साक्ष्य रेसिपी में। आज हम देखने जा रहे हैं उंधियू की रेसिपी, एकदम सिंपल तरीके से जो हम कुकर में बनाएंगे और झटपन बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो कुकर में बनाने से जल्दी बन जाती है और इसी के साथ सीजनल जो अभी वेजिटेबल्स आती है उनमें से हम बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारे सीजनल सब्जी ली है। यहाँ पे मैंने लिया है स्वीट पोटेटो, उसी के साथ मैंने रो बनानास लिए हैं, गाजर लिए हैं और ब्रिंजल लिए हैं, दो तरीके के। और ब्रिंजल को ऐसे बीच में से मैंने कट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे जो केले लिए हैं कच्चे, उसके ऊपर के छिलके निकाल लिए हैं। और अब इन सारी सब्जियों को हम पानी में डाल देंगे। पानी में डालने से ये काली नहीं पड़ेगी सब्जियाँ सारी, इसलिए हमें इसे पानी में डालना जरूरी है। इस तरीके से इसमें ऑप्शनल सारी सब्जियाँ आपको जो पसंद है वो डाल सकते हो। इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिए है ग्रीन पीस और मैंने यहाँ पे सुरती पापड़ी ली है। सुरती पापड़ी के बिना उंधियू नहीं बनता, तो नॉर्मल पापड़ी भी ली है, फ्रेंच बीन्स लिए हैं और मटर लिए हैं और ग्रीन बीन्स लिए हैं। और यहाँ पे सुरती पापड़ी थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए मैं पहले ये जो ग्रीन वेजीज है उनको अच्छे तरीके से पानी में बॉईल कर लूँगी, क्योंकि हमें इसे कुकर में बनाना है, इसलिए मैं पानी में इसमें बॉईल कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं फ्रेश पीनट्स, जिसे मैं अच्छे तरीके से इसके ऊपर के छिलके निकाल के, मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच पीनट लिए हैं। तो ये जो हो रहा है तब तक मैंने वो सूती पापड़ी और बाकी हमारी ग्रीन वेजेस को अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो ये बॉईल हो चुके, इसका पानी हम निकाल लेंगे। ये करने से ये पापड़ी सॉफ्ट हो जाती है। और अब यहाँ पे मैंने मसाले में लिया है 2-3, यहाँ पे मैंने लिए हरी मिर्चें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और यहाँ पे फ्रेश कोकोनट लिया है। तो पहले हम ये हरी मिर्च और अदरक को अच्छे तरीके से बारीक इसका पेस्ट बना लेंगे और आधा मैं साइड पे रख दूंगी, मुठिया के लिए साइड पे रख दूंगी। और यहाँ पे फ्रेश कोकोनट लिया है मैंने, तो इसके अच्छे बारीक में पीस कर लूंगी और इसको भी बारीक दरदरा में इसी के साथ पेस्ट बना लूंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको अच्छे तरीके से इसका मसाला बना लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पीनट का पाउडर, तो ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो ही डालिए। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच पीनट का पाउडर लिया है और इसे भी अच्छे तरीके से मिला लूंगी मिक्सी जार में डाल के। इसको एक बार चला लेंगे और इतना बारीक हमें इसका दरदरा पाउडर बना लेना है, देखिए। और अब हम मुठिये की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेश मेथी और हम लेंगे अब धनिया पत्ती, और 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है बेसन, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है गेहूं का आटा। मुठिये के लिए हमें इतनी चीजों की आवश्यकता है। और यहाँ पे हम डालेंगे अजवाइन, अजवाइन के बिना उंधियू इनकम्प्लीट होता है। अजवाइन डालने से उंधियू का टेस्ट भी बढ़ता है। और अब डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच तिल, ये यहाँ पे मैंने लिया है नमक, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और थोड़ा सा हम इसके अंदर आधा चम्मच भर के डालेंगे जीरा और तेल डालेंगे ताकि हमारा हमारे मुठिये यहाँ पे सॉफ्ट हो। और ये जो 1 चम्मच हमने अदरक और मिर्च का पेस्ट लिया है वो डालेंगे और पिंच ऑफ हींग डालेंगे। और इसी के साथ मैं डालूंगी इसके अंदर सोडा, पिंच ऑफ सोडा डालना है। सोडा डालने से अंदर तक मुठिये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। और थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसका अच्छे तरीके से आटा लगा लेना है इस तरीके से। तो मुठिये बहुत टेस्टी लगते हैं, आप ऐसे ही इसे खा सकते हैं फ्राई करके। तो देखिए यहाँ पे मैं छोटे छोटे बॉल्स इसके बना लूंगी, आपको मीडियम या स्मॉल साइज के चाहिए उस हिसाब से आप बॉल्स बना लीजिए। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से बॉल्स बना लिए हैं मीडियम साइज के। मुठिये को अब हमें यहाँ पे तलना है, पर अभी हम इसे साइड पे रख देंगे और जब बाकी वेजेस हम फ्राई करेंगे तभी इसको तलेंगे। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे ये सारा जो हमने पेस्ट बनाया था वो एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हम हरा धनिया और अजवाइन और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और इस सारी सामग्री को अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब ये जो बैंगन है इसके अंदर हम अच्छे तरीके से भर लेंगे, तो इससे क्या होगा, इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा और उंधियू खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैं चारों बैंगन में ये उंधियू ये पेस्ट हम भर लेंगे। तो ये यहाँ पे 4 पर्सन के लिए इनफ हो जाता है उंधियू, तो आराम से 4 जन यहाँ पे खा सकते हैं इसको। अब इसके अंदर डालेंगे फ्रेश हम मूंगफली और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर उंधियू ये मुठिये को तलेंगे। तो एक एक करके हम इसके अंदर डालेंगे
और इन्हें अच्छे तरीके से हमें कम आंच पे तल लेना है। आप ज़्यादा आंच पे तलोगे तो अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे, तो हमें इसे कम आंच पे अच्छे तरीके से तल लेना है। तो मुझे यहाँ पे 4 मिनट हो चुके हैं कम आंच पे इनको तले हुए। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से लाल रंग ऊपर आ जाना चाहिए, तो हम इसे निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हम बाकी की वेजेस भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे रो बनानास डाल रही हूँ। तो ये कच्चे बनाना है जो फ्राई करने से बहुत ही टेस्टी लगते हैं, टेस्ट देते हैं उंधियू में। तो इतना ही हल्का सा हमें इन्हें तल लेना है, ज़्यादा हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का ही तल लेंगे और इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी की सारी वेजेस भी तल लेंगे। तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी स्वीट पोटैटो और इसे भी हमें तल लेना है। इस तरीके से हमें इन सारी सब्जियों को तल लेना है जिससे उंधियू का टेस्ट बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम इनको निकाल लेंगे। तो इतना ही हमें इनको हल्का सा तल लेना है। कच्चे केले को आप ऊपर के छाल भी के साथ भी तल सकते हो, पर मैंने इनके छिलके निकाल के इनको तला था। अब इसके अंदर हम डालेंगे आलू। तो ये यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं जिसको भी हमें अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इन सारी सब्जियों को हमें हल्का सा ऊपर कलर आए तब तक ही हमें फ्राई करना है। तो देखिए यहाँ पे आलू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको भी निकाल लेंगे। हमें ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है क्योंकि कुकर में वैसे भी गल ही जाएंगे इसीलिए। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में हम डालेंगे ये बैंगन। ये इसलिए लास्ट में डालना है क्योंकि हम जब इनको फ्राई करेंगे तब इसमें से मसाला निकलने लगता है। अब इसी मसाले में हम इसी में से तेल यूज़ करेंगे सब्जी के लिए भी। अब ये जो मसाला निकला है तो उसे भी हम यूज़ करेंगे सब्जी में। इनको अच्छे तरीके से हम छान लेंगे तेल को और उसके बाद ये मसाला भी यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे बैंगन भी हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इस मसाले को भी हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुकर लिया है, इसके अंदर मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच तेल। ये जो मैं रेसिपी दिखा रही हूँ तो उसमें बहुत ही कम तेल लगता है। अब इसके अंदर डालेंगे हम जीरा, अजवाइन और तिल डालेंगे। नॉर्मली उंधियू में बहुत तेल लगता है, पर मैं इसमें कम से कम तेल डाल के आपको दिखा रही हूँ उंधियू किस तरीके से हम कम तेल में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हम मटर, ये फ्रेश मटर है, और ये मसाला, बचा हुआ मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे कुकर के अंदर। और कुकर की फ्लेम कम ही रखिएगा, गैस की फ्लेम हमें कम रखनी है। इसके अंदर डालेंगे 1/2 चम्मच भर के हल्दी और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। ये मैंने मसाला लिया है, मसाला डालेंगे 1 चम्मच। नॉर्मल जो घर में यूज़ करते हैं वो डालेंगे, आपको उंधियू मसाला मिले तो वो भी आप डाल सकते हैं। और इसके अंदर आप डाल देंगे हम गाजर और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हमें। तो मसाला हमारा नीचे चिपके नहीं। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये पापड़ी। तो इसे हल्का सा हमने बॉईल कर लिया था पापड़ी को, वो डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। कितनी अच्छी लग रही है आप ये सब्जी देखिए आप। और इसी के साथ अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, आगे भी शेयर कीजिए। अब यहाँ पे हम डालेंगे ये सारी तली हुई सब्जियाँ। तो यहाँ पे हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इन सब्जियों को। ट्रेडिशनल तरीके से बनाने जाए तो बहुत टाइम लगता है उंधियू को बनाने में। तो उंधियू की रेसिपी जो है वो गुजरात में बहुत बनती है, स्पेशली उत्तरायण में मकर संक्रांति में लोग वहाँ पे बना के खाते हैं। और इसके अंदर अब डालेंगे हम सोडा, पिंच ऑफ सोडा। सोडा डालने से हमारी वेजीज का कलर ऐसे ही ग्रीन रहेगा। अब मैं इसके अंदर लास्ट में डालूंगी गुड़। गुड़ डालने से इसका टेस्ट में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। तो इस तरीके से हमें इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब डालेंगे धनिया पत्ती आप, और जीरा पाउडर डालेंगे ऊपर से 1 चम्मच भर के। तो उंधियू के लिए आप इसके अंदर अब डालेंगे पानी। आपको अगर ये ड्राई चाहिए तो पानी मत डालिएगा, और लिक्विड चाहिए तो थोड़ा पानी डालिए, पर थोड़ा सा पानी डालिएगा ताकि कुकर में नीचे चिपके नहीं। और ऊपर से हम रख देंगे इसके ऊपर बैंगन, और इसका हमें ढक्कन रख के कुकर का इसकी एक विसल पूरी लगानी है, और दूसरी विसल जैसे ही लगने आए तब और गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। और कुकर को हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। कुकर ठंडा होते ही हम इसको खोल लेंगे। तो वाओ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो इस तरीके से आप भी जल्दी से झटपट उंधियू की रेसिपी ट्राई कीजिएगा।
अभी हमारी प्रोसेस इनकम्प्लीट है, तो आगे की रेसिपी हम इस तरीके से बनाते हैं। उंधियू को अच्छे तरीके से हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे। देखिए कितने प्यारा और कितना अच्छा कलर आया है। अब हम यहाँ पे लेंगे ये मुठिये, और दो मुठिये को लेके हम अच्छे तरीके से इसको ऐसे बारीक हाथों हाथों से क्रश कर लेंगे, और इसे हम इस उंधियू में डालेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जो उंधियू का जो पकड़ है वो बहुत अच्छी बनेगी, ग्रेवी ग्रेवी टाइप आएगा थोड़ा सा उंधियू हमारा, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब बाकी के बचे हुए भी हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं यहाँ पे, पानी हमें गर्म ही डालना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच पानी डाला है। और लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे नींबू का रस। नींबू का रस डालने से उंधियू का टेस्ट खट्टा और मीठा आता है। गुड़ की वजह से मीठा आता है और नींबू का रस की वजह से थोड़ा सा खट्टा आता है। तो यहाँ पे हमारी उंधियू की रेसिपी बन के रेडी है। कुकर में बहुत ही जल्दी और फास्ट बनने वाली रेसिपी है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उत्तरायण में बना के खाइए, या तो फिर जब ग्रीन वेजेस के सीजन आते हैं तब इस रेसिपी को बनाइए। धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और साक्षी रेसिपी में और भी बहुत रेसिपी है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ।